बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी असाइनमेंट में पीडीएफ फाइल कैसे अटैच कर सकते हैं, कि आपने अपनी असाइनमेंट को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया है और आप उसे अटैच करना चाहते हैं। आप क्लासवर्क पे क्लिक करेंगे और आपने अपनी असाइनमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पर हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर यहाँ पर अपनी असाइनमेंट तरतीब से नज़र आएंगी, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट नंबर 1 पर क्लिक कर लेती हूँ। आप ये देखें, यहाँ मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है, दैट्स मीन कि ये असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई हुई। मैं असाइनमेंट के लिंक पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैंने असाइनमेंट के लिंक पे क्लिक किया है तो आप ये देखें, उसने मुझे मैसेज दे दिया, एड आर क्रिएट फाइल फॉर योर क्लासवर्क। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। ये मुझे तरीका बता रहे हैं कि जब आप अपनी असाइनमेंट को अटैच कर लें उसके बाद आपने मार्क एज डन पे क्लिक करना है। तो मुझे समझ आ गई है। अब मैं एड आर क्रिएट पर क्लिक करती हूँ। मेरे पास ऑप्शन मौजूद है गूगल ड्राइव, अगर मेरी पीडीएफ फाइल गूगल ड्राइव में सेव है तो मैं गूगल ड्राइव पर क्लिक करके वहाँ से फाइल अटैच करूँगी, और अगर मेरी फाइल कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो मैं फाइल पर क्लिक करके उसे अटैच करूँगी, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल अभी एज असाइनमेंट आपको अटैच करना बता रही हूँ। तो मैं फाइल पर क्लिक करती हूँ। इसके बाद मेरे पास ये अपलोड की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। यहाँ मैं सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने पाथ सेलेक्ट करना है, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ से ये फोल्डर क्लिक करती हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक करती हूँ, ये पीडीएफ फाइल है, और ओपन पे क्लिक कर देती हूँ। अब ये फाइल अटैच हो गई है, मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये आप देखें, ये स्ट्रिप में प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसका। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, जैसे ही ये बार कंप्लीट होगी तो मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि पीडीएफ थोड़ा टाइम लगा रही है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो दूसरी वीडियो में बताया था गूगल डॉक के अंदर इमेज इंसर्ट करना, वो बहुत जल्दी आपके पास इमेजेस गूगल डॉक में इंसर्ट हो गई थी, ठीक है। ये देखें, आपकी पीडीएफ फाइल अटैच हो गई है, पीडीएफ फाइल अटैच हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने टर्न इन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैं टर्न इन पर क्लिक करूँगी और मेरे सामने ये मैसेज आ गया कि आप इस फाइल को टर्न इन करना चाह रही हैं, मैंने टर्न इन पे कंफर्म कर दिया तो मेरी असाइनमेंट सेंड हो गई, ठीक है। अब अपनी असाइनमेंट पर क्लिक करके अगर आप अपनी असाइनमेंट को व्यू करना चाहते हैं, दोबारा से असाइनमेंट के लिंक पे क्लिक करें। ये यहाँ पे आपके मार्क्स शो हो रहे हैं, ठीक है। जब टीचर आपके मार्क्स चेक करेंगी तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अभी 7 टोटल मार्क्स नज़र आ रहे हैं, तो देन 6 आउट ऑफ 7 और 7 आउट ऑफ 7, 5 आउट ऑफ 7 आपको यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको आपके मार्क्स शो होंगे, ठीक है। और अगर आप अपनी असाइनमेंट को देखना चाह रहे हैं कि आपने जो सेंड किया वो ठीक है या नहीं, तो आप दोबारा से असाइनमेंट 1 पे क्लिक करें, आपके सामने आपकी असाइनमेंट ओपन हो जाएगी, आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अब मेरे ख्याल से आपको समझ आती है। थैंक यू।